जो अम्ब्रेला लेके आया था उसका यूटिलाइज दिखाते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पल भर में मौसम का पता नहीं रहता है। आई लव केदार। अभी रुके हैं लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली भैया, बड़ी लिंगचोली पे रुके हैं। भाग लग गई है, घोड़े से गिर गई है। भाई फाइनली हमारी मैगी बन गई है, मैगी खाते हैं और मैगी खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। ये अभी यूट्यूबर की लाइफ में पहली बार हो रहा है कि हम कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग के साथ मैगी केदारनाथ में -2 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल ही है यहाँ पे। तो मिलते हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे, आप सीधे जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो जब तक क्या करना है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय हो केदार की। चलिए बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है बाबा केदारनाथ से, और यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाएंगे घर की तरफ। तो रेडी होना, बैग पैक कर लिया और निकलते हैं अभी। तो वीडियो पे बने रहना, लास्ट एंड तक देखना। जय माता दी। देखो यहाँ घोड़ों का मेला लगा हुआ है, कितने ज़्यादा घोड़े, खच्चर इतने ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे। और रेट रेट सुन के हाई फाई रेट है इनके, 3,500-4,000 रुपये से नीचे तो कोई ले ही नहीं रहा है। और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि ये गिराएंगे नहीं गिराएंगे, पता नहीं कब क्रम में गिर भी जाए। भाई स्लिप कर सकता है, पानी बारिश का कोई पता नहीं है यहाँ पे। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, दिखाएंगे व्लॉग में। और लास्ट में अभी नीचे जा रहे गौरीकुंड पे, एक भाई और मिला है हमें, सोनीपत का भाई। ये भाई सोनीपत से आर्मी में लग रहा था, भाई कह रहा था अभी ड्यूटी से छुट्टी आ रहा है। तो भाई खूबसूरत वादियों के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखा दिए हैं, और जैसे भी कोई बढ़िया नज़ारे हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहना वीडियो पर ऐसे ही प्यार देते रहो भाई, जिससे और खूबसूरत खूबसूरत वादियों के नज़ारे आपको दिखाते रहे। जय भोलेनाथ, जय केदार, आई लव केदार। आवाज नहीं आ रही भाई, खूबसूरत वादियों के नज़ारे ले रहे हैं ऐसे। और आप लोग भी आओ, आप लोग भी यहाँ नज़ारे का फुल एंजॉय करो और बाबा के दर्शन भी करो। जय हो केदारनाथ की। भाई इस बार हमने जब ऊपर से नीचे आ रहे थे ट्रैकिंग करके, तो दिखाते हैं हम कहाँ से नीचे उतरे हैं। ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई थी, वो मंदिर वहाँ से इस वाले रास्ते से आ रही है, दिखाते हैं आपको। ये टावर लग रहा है, इस टावर के पास से झिकझक करते हुए, बहुत डेंजरस चढ़ाई थी जिसके चलिए हम नीचे आए हैं। और बगल में गंगा रिवर जा रही है। ये लास्ट टाइम जो लैंडस्लाइड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये लैंडस्लाइड जो देख रहे हैं लास्ट टाइम, जो 2013 खतरनाक जो बादल फटने की वजह से पानी का वेग जो आया था, इतना ऊपर तक पानी भरा हुआ था ये पूरा खचाखच, तो परले आ गया था उस समय। तो पहले वो रास्ता था, ये देखो दिखाता हूँ, पहले ऊपर वाला रास्ता ये वाला था बाबा भोले की चढ़ाई करने के लिए। अब ये रास्ता चेंज कर दिया गया है, तो जैसे ही आगे कोई और अद्भुत नज़ारे आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखो पीछे, ये बाबा केदारनाथ वहाँ बैठे हुए हैं भाई, काफ़ी शानदार नज़ारे हैं। चलिए हम नीचे उतर गए हैं, आधी चढ़ाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। आप पता लगेगा, ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है तो जाना ही जाना है नीचे। तो बने रहना वीडियो पे और दिखाएंगे आपको खूबसूरत वादियों के खूबसूरत नज़ारे। भाई केदारनाथ यात्रा करने में बड़ा रोमांटिक एंजॉय कर रहे हैं भाई। और मौसम का तो कुछ पता ही नहीं है, कब धूप और कब बरसात आ जाएगी। आंटी अभी यहीं पहुँचे हो आप? अभी यहीं पहुँचे हो आप? मेरे से कितना आगे थे आप? हाँ ऊपर से आ रहे थे, जब रास्ते में तो मिले थे ना, बोल रहे थे आप तो मेरे से बहुत आगे पहुंच गए थे। आप ग्रुप के आए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये आंटी हमारे साथ साथ आ रही थी भाई। ये भी हम शॉर्टकट मार के आए, तो अभी निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो भाई दिखाएंगे और खूबसूरत वादियों के खूबसूरत नज़ारे। भाई यार खच्चर वालों ने पक्का परेशान कर रखा है।
और इतने ज़्यादा खच्चर है यार, पूछो मत। ये देखो जो बड़ी लीची, लिंग लीची कैसा है, ऐसा कोई गांव है, यहाँ पहुँच गए। ये देखो सभी लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। ये मेरे पास पीछे हैं भाई, कुछ भाई मिले राजस्थान के, अपने बांसवाड़ा लास्ट विलेज है राजस्थान में, बांसवाड़ा कुछ बता रहे हैं कुछ। तो भाई आओ, सभी लोगों को एक बार ना एक बार तो केदारनाथ आना ही जरूरी चाहिए, एक बार केदारनाथ आना चाहिए। आओ भाई इंजॉय करो भाई, बाबा बाबा को याद करो और एक बार जरूर आओ यहाँ पे। जय श्री केदार। ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई कर रहे हैं सब। ले आ तो जा करो, जय जय माता। अभी रुके हैं लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली पे रुके हैं भाई। पकोड़े जाते समय भी देख के गए थे जब, यहाँ ऊपर कुछ खाना खाया था मैंने भाई, पकोड़े और चने की शॉप लगा रखी भाई ने, बढ़िया शानदार। आओ भाई, भाई के पास टेस्ट करके जाओ और थोड़ा रेस्ट भी करो बीच में। तो बने रहना वीडियो पर, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक भी करते रहो। मैं फाइनली छोटी लिंगचोली से हम निकल के और नीचे जा रहे हैं। ये दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, ये ट्रक ऐसे ऐसे करके जाएगा और नीचे जाएगा वो सामने उधर। तो बने रहना वीडियो पे, वीडियो स्किप मत करना, दिखाएंगे और नज़ारे भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक रहा ये हमारा और काफ़ी शानदार मज़े आए यहाँ पे। तो चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको अच्छे नज़ारे। जय भोलेनाथ। लग गई है घोड़े से, गिर गई है घोड़े वाले की मिस। तू ले जाओ ना ऊपर भैया, आप लोग कितना दूर हो, यहां के लोग क्या हो गया भाई। ये लोग घोड़े से गिरे। हाँ, ये लोग घोड़े को गधे की तरह समझते हैं और बस इंसान बैठा हुआ है उस पर कदर नहीं करते उसकी। तो भाई बी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो ध्यान से घोड़े पे जब भी ट्रैवल करो तो आराम से करना भाई, इनके ऊपर बिल्कुल भी फेंत मत करना भाई। अभी हम जंगल चट्टी पहुंच गए हैं और यहाँ से गौरीकुंड सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। अभी आपको दिखाएंगे जो जंगल चट्टी है वो दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, फिर मिलेंगे नीचे डायरेक्ट गौरीकुंड। तो अभी यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई, मौसम आप देख पा रहे होंगे कैसा गड़बड़ा रहा है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और अब चलते हैं नीचे डायरेक्ट, फिर मिलेंगे गौरीकुंड पे। तो बने रहना वीडियो पे, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट एंड तक देखना। जय भोलेनाथ की, हर हर शंभु हर हर भोले। ये देखो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, काम की चीज़ है। जो अम्ब्रेला लेके आया था उसका यूटिलाइज दिखाते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पल भर में मौसम का पता नहीं रहता है, इसलिए अब बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए हमने अम्ब्रेला भी डाल लिया है। अपनी चीज़ अपने पास रहे तो उसकी बात ही अलग होती है भाई। सारी भाई फुल तैयारी के साथ आया था, ऐसा नहीं है जो भी बंदा आए पूरी तैयारी करके आए। यहाँ तक मेरे पास रेनकोट हो रहे भाई, ओले पड़ने लग गए भाई, भाई ओले पड़ने लग गया भाई, मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं भाई, ओले पड़ने लग गए थे भाई अभी तो। अगर बारिश जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे तो केदारनाथ में स्नोफॉल होना तय है। तो दिखाएंगे आपके और नज़ारे, बारिश का नज़ारा देखो, बगल में नज़ारा देख पा रहे हो आप।
रोले पड़ रहे हैं भाई। काफी शानदार नजारा है। भाई बारिश के साथ साथ ओले भी आने लगे भाई, दबा के धगा के, और यात्रीगणों को काफी भारी मात्रा में परेशानी झेलनी पड़ रही है। A few minutes later, भाई फाइनली हमारी यात्रा केदारनाथ की कंप्लीट हो गई है। जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी उसके दर्शन कराते हैं, और पीछे देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है घोड़े खच्चर की तो, और इंसान की। ये देखो भाई, यहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी हमने। हाँ जी, यात्रा स्टार्ट करने के बाद सीधा जाएंगे, पहले टैक्सी की लाइन में लगेंगे। टैक्सी की लाइन भी काफ़ी बड़ी मिलेगी हमें। तो भाई जय हो केदारनाथ बाबा की जय हो। फाइनली गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड पहुंचने के बाद अब जाएंगे अपनी टैक्सी के लिए। टैक्सी के लिए निकलेंगे। तो बीच में बारिश होने लग गई थी तो रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर भी टाइम से पहुंच गए। हमने वहाँ से जो नीचे उतरना स्टार्ट किया था वो किया था 11 बजे। तो 11 बजे के बाद तो बने रहना वीडियो पे। अभी ये यात्रा एक ये भाई है केदारनाथ यात्रा स्टार्ट करेंगे। जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ भाई का ढाबा है, और भाई के ढाबे में एक बार ज़रूर सेवा देना। यहाँ होम स्टे भी अवेलेबल है यहाँ रहने के लिए भी, और भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, खाना रहना सब चीज़ है। कभी आओ और यहाँ आके एक बार मौका दो भाइयों को। खत्म हो गई केदारनाथ की जो यात्रा थी हमारी, केदारनाथ धाम सीरीज ख़त्म हो गई है। और दिखाएंगे आपको बढ़िया नज़ारे, जैसा भी होगा कहीं का प्लान होता है। रूम पे जाते हैं, रूम पे जाने के बाद फिर देखेंगे।